आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। पूरा मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मक्की नगर स्थित तालाब के पास का है, जहां आज मात्र दो दिन की नवजात बच्ची का शव कूड़े के ढेर में मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मोहल्ले वासियों के द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक बच्ची के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहां कूड़े के ढेर में कूड़ा बीनने वाला कूड़ा बीन रहा था, तो उसने देखा कि एक गड्ढे में कुछ पड़ा हुआ है। जब उसने वहां नजदीक जाकर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि कूड़ा नहीं कूड़े के रूप में एक नवजात बच्ची का शव था। उस कूड़े बीनने वाले के द्वारा इस संबंध में मोहल्ले के लोगों को बताया गया। जैसे इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चला तो वहां बच्ची के शव को देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना वार्ड सभासद पति मोहम्मद उमर ने बताया कि हमें यहां सूचना मिली थी कि 24 घंटे या 12 घंटे की बच्ची का शव तालाब के पास गली में कूड़े के ढेर पर मिला है। शहर कोतवाली पुलिस मौके पर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। ये तो पहले से तो कोई जानकारी है नहीं कि मामला क्या था। अभी मेरे पास तो फोन गया था, मैं आया आके देखा कि एक लगभग 24 घंटे की या 12 घंटे की एक बच्ची होगी जो मतलब मरी हुई पैदा हुई या मरी हुई हो, किसी ने यहाँ मतलब तालाब के पास पहली गली में वो किसी ने यहाँ कूड़े के ढेर के पास डाल दिया। अब वो वहाँ देखा, पुलिस भी मौके पर है और पुलिस ने उसको जो है मतलब उस एक कपड़े में उसको वो कर लिया है, सी लिया है। अब वो बता रहे हैं कि उसका PM कराएंगे और PM कराने के बाद में हमारे सुपुर्द कर देंगे, हम उठा के कब्रिस्तान में दफन करवा देंगे।